आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने या तो ये एक्सपीरियंस किया होगा या रील वील में कहीं देखा होगा कि बेली फ्लॉप करना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है पानी के अंदर, या फिर अगर किसी बहुत ज़्यादा हाइट से अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो वी शुड नॉट फॉल इन वाटर बिकॉज इट्स लाइक लैंडिंग ऑन कॉन्क्रीट। पर ऐसा क्यों? वाटर इज़ अ सॉफ्ट लिक्विड, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। चलो इसको समझते हैं। ये देखो, ये ग्लास हमने पूरा पानी से भर दिया लेकिन फिर भी ये स्पिल नहीं हुआ। दिस इज सरफेस टेंशन इन एक्शन। सो वाटर के अंदर इतनी जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दे क्लिंग टू ईच अदर एंड फॉर्म एन इनविजिबल स्किन ऑन द सर्फेस। दिस इनविजिबल स्किन इज कॉल्ड अ सर्फेस टेंशन। इट होल्ड्स द मॉलिक्यूल्स टुगेदर वेरी वेरी टाइटली एंड दिस इज ऑल्सो वाई देर आर सर्टन इंसेक्ट्स दैट कैन वॉक ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। तो जब आप पानी के ऊपर गिरते हो, ये इनविजिबल फिल्म जो है ये तुरंत ब्रेक नहीं होती है, एक सॉलिड शीट की तरह बिहेव करती है। सो इवन इफ यू टेक अ बकेट ऑफ वाटर एंड यू स्लैप योर हैंड ऑन इट, यू विल नो दैट यू आर लिटरली ब्रेकिंग मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसके ऊपर मैं एक एक्सरसाइज आपको दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, आप ट्राई करना, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें ये बताइए और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें वीडियो बनाना चाहिए। Thank you.